जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी हमारे तीन उपखंड है, रूपनगढ़, पुष्कर और अजमेर। तो सवेरे 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 12 बजे तक हम रूपनगढ़ थे और अभी लगभग 2 घंटे से हम पुष्कर सरोवर होटल है यहाँ बैठ के जनसुनवाई कर रहे हैं। तो जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका समाधान हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी क्योंकि विभिन्न विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मैंने बुलाया, सब लोग आए और जो भी हमारे सामने समस्या आई मैंने तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करने के लिए इनको बोला है और 2 दिन के अंदर इनकी पालना रिपोर्ट मेरे ऑफिस को अवगत कराए, ऐसे मैंने डायरेक्शन दिए। और ये जनसुनवाई हम नियमित रूप से करेंगे। हमारा उद्देश्य है, हमारा माननीय भजनलाल जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, हमारी भजनलाल जी की सरकार का भी ये मोटिव है कि आम लोगों को राहत मिले और लोग इधर उधर छोटे मोटे काम के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, मौके पर तुरंत उसका निस्तारण हो, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी मंशा है। इसलिए आज मौके पर बैठ के अधिकारियों के साथ और जो भी हमारे आम लोग आए उनकी हमने सुनी और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक मंत्री जी काफ़ी लंबे समय से समस्या, तो ये बड़ी मेजर, देखिए ये बड़ी समस्या है। क्योंकि जैसे ही, मैं कोई राजनीति बात नहीं करना चाहता लेकिन लोगों को सत्य से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने कोई रोडवेज के क्षेत्र में काम नहीं किया, नहीं कोई रोडवेज खरीदी और जो थी वो कबाड़ हो गई, इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने 500 रोडवेज जो बैटरी से संचालित होगी वो खरीदने के लिए कार्रवाई चालू की है। और अभी डिपो मैनेजर था उसको भी मैंने निर्देशित किया कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था करके यहाँ पे रोडवेज जो नागौर जाती है वो रुके और अलग से जो पहले पुष्कर की बस चलती थी गुरुद्वारे तक वो वापस चले, ऐसा